इस वीडियो में हम देखेंगे MSPT की तरफ से डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद जो दो सर्टिफिकेट मिलते हैं उनके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले MSPT की सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भाई। जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है तो आपके नाम पर एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट MSPT की तरफ से इशू किया जाता है। तू समझा? इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आपका नाम लिखा हुआ होता है, लास्ट सेमेस्टर की एग्जाम जो आपने दी थी उसका नाम, डिस्टिंक्शन, रिजल्ट की डेट, नीचे आपका फोटो और साइन होता है और ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट रिजल्ट के बाद 6 महीने तक वैलिड होता है। बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रहे। ये आपको रिजल्ट लगने के बाद कुछ दिनों में कॉलेज में मिल जाता है। इसको आप कहीं पर जॉब इंटरव्यू के लिए या रिजल्ट के बाद कुछ भी अर्जेंट एजुकेशनल काम के लिए यूज कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर 7 महीने के बाद आपको मेन डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है। इसकी बॉर्डर ऑरेंज कलर की होती है और इसमें आपने किस ब्रांच में डिप्लोमा कंप्लीट किया है वो लिखा हुआ होता है। Yes, boss. ये आपको थोड़ा लेट मिलता है पर आप तब तक प्रोविजनल सर्टिफिकेट से कुछ भी एजुकेशनल या जॉब से रिलेटेड काम कर सकते हो। इस तरह ये दो सर्टिफिकेट डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको MSPT तरफ से मिल जाते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।